आज मैं आप लोगों के लेके आने वाला हूँ वो कोर्स जिसकी आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं। इवन बहुत से यूट्यूब चैनल आई थिंक अभी तक आपने छान लिए होंगे, लेकिन यहाँ जो कोर्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, इट इज नॉट ओनली अ कोर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर करियर। जस्ट इमेजिन करिएगा इस चीज को कि आपकी कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है, आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है और कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट्स के लिए और आपका इंटरव्यू राउंड शुरू होने वाला है, राइट? क्या लगता है आपको इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा? ये C++ का ही क्वेश्चन होगा बेटा। जी हाँ, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन C++ का ही होगा। तो ये लैंग्वेज केवल आपके लिए कोर्स नहीं है, केवल आपके लिए जर्नी नहीं है, ये कोर्स एक सिद्धि है आपके लिए जिसको आपको अचीव करना है। और इस कोर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये कोर्स है C++ का फुल कोर्स, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, चाहे मैन कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इनके पहले ही राउंड में C++ के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक वॉलमार्ट, ओला, उबर, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड और थर्ड राउंड में जाके आपसे C++ और C++ में डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक कंपनी के इंटरव्यूज 5 राउंड तक चलते हैं और इन 5 राउंड में सेकंड राउंड इंपॉर्टेंटली होता है C++ और DSA का राउंड। यदि आप C++ के कॉन्सेप्ट को इंप्रूव नहीं करते हैं तो इन सारी जगह पे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज अगर आप देखें ना, कॉलेज का 90% बच्चा, इवन मैं बोलूं तो 95% बच्चा स्ट्रेस में घूम रहा है। अब उसका रीजन आप समझिए, इतना कंपटीशन है। सबसे बड़ी बात है फीस। इंडिया में मैक्सिमम कॉलेजेस अगर आप देख ले, चाहे वो किसी भी लेवल के कॉलेजेस हो, फीस स्ट्रक्चर जो है वो 7 लाख से लेके 25 लाख तक, 30, 35, 40 लाख तक पहुंच गया है। कॉम्पिटिशन इतना हाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन कॉलेजेस में वो स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है जो एक्चुअली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और यही स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप किसी टेक कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इवन C++ का कोर्स अगर आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जब आप ये C++ का कोर्स देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा, और वो डिफरेंस इसलिए समझ में आएगा क्योंकि इस कोर्स में मैंने उस गैप को फुलफिल किया है जो आपको कॉलेज से इंडस्ट्री तक लेके जाएगा। इस कोर्स को इतना स्क्रैच से हम लोगों ने रेडी किया है, ये अजम्पशन के साथ रेडी किया है कि आपने केवल कंप्यूटर देखा है और प्रोग्रामिंग में आपको कुछ भी नहीं आता है। आगे आप अगर लेटेस्ट करंट टेक्नोलॉजीज को पढ़ने, लाइक AI ML पे आप जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में आप जाना चाहते हैं, रोबोटिक में आपको जाना है, गेमिंग एप्लीकेशन में आपको जाना है, वेब डेवलपमेंट में आपको जाना है, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इन सारे एरियाज के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग, और ये फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग इंप्रूव करता है C++। और बस इसी थॉट से इस पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया है आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो आपको हर टॉपिक में समझ में आए। इस कोर्स को जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो ना केवल यहां पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहां पर आपको मिलने वाला है, बल्कि स्टडी मटेरियल के साथ साथ जितने प्रोग्राम में आपके लिए सिस्टम पे बनाऊंगा, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में हम 10 से 15 प्रोग्राम बनाएंगे, उन सभी के सोर्स कोड आपको इस कोर्स के साथ मिलने वाले हैं, असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल टाइम प्रोजेक्ट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज। क्योंकि जितने इंटरव्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टॉप मोस्ट वैकेंसीज तक पहुंचना है। बॉस, जब एक पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है ना, तो कम से कम 10,000 से ज्यादा रिज्यूमे HR तक पहुंचते हैं, लेकिन उन 10,000 रिज्यूमे में आपका रिज्यूम कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे आप अपने रिज्यूम को क्राउड से अलग कर पाएंगे, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके रिज्यूमे में कितने ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और आपने कितने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो यहां पर जब सर्टिफिकेट की बात होती है, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। तो जो सर्टिफिकेट यहां पर आपको इस कोर्स के बाद मिलने वाला है, जो ना केवल आपके रिज्यूमे को अपग्रेड करेगा, बल्कि रिक्रूटर को भी मजबूर करेगा आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट करने के लिए। अब देखिए, जितनी मेरी इंडस्ट्री रिक्रूटर से बात होती है, आप यकीन करेंगे उनका एक ही जवाब होता है कि सर, आज जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, उनके लॉजिक क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो यहां इस कोर्स में ना केवल हम लॉजिक पे फोकस करेंगे, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उस पर भी मेरा पूरा फोकस है, और ये कोर्स में मैंने दोनों एस्पेक्ट्स को इक्वली कवर किया हुआ है कि इसके बाद यदि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यहां पर इस कोर्स में वो सारे एस्पेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इस पूरे कोर्स को मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, थ्योरी इज नॉट अ बिग टास्क, इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और यहां पर हर टॉपिक में हमने मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। जहां पर आप देखेंगे, मैंने हर स्टेप पे 3 तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बताई है, क्योंकि 3 टाइप के ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अब ये 3 टाइप कौन से हैं, जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो हर टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि मैं किन 3 टाइप्स की बात कर रहा था। जस्ट इमेजिन करिएगा इस चीज को कि आपके पूरे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने पूरे 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बट स्टिल यू डोंट हैव द जॉब इन योर हैंड। बॉस, बहुत ही पेनफुल होता है अपने आप को बेरोजगार कहना।
तो यदि आप ये चाहते हैं ना कि बॉस इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो ये सही समय है बॉस, इस समय को यूटिलाइज कर लो। और इस समय को यूटिलाइज कैसे करोगे? केवल अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करके। कि यदि ईमानदारी से इस कोर्स को अगर आपने पढ़ लिया ना, तो मैं श्योरिटी आपसे दे रहा हूं बॉस कि ड्यूरेशन ऑफ इंजीनियरिंग आपके हाथ में कम से कम 4 कंपनीज के ऑफर लेटर होंगे। तो ये कोर्स केवल आप लोगों के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अ गोल्डन चांस टू सिक्योर योर फ्यूचर। तो रेडी हो जाइए C++ की इस जर्नी के लिए और फटाफट एनरोल करिए C++ के इस कोर्स में।